2019 को अक्षय कुमार के करियर का पीक ईयर कहा गया है, जहां अक्षय कुमार की मूवीज ने बैक टू बैक काफी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए थे। 2019 में अक्षय कुमार इंडिया के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने लगातार 3 200 करोड़ प्लस कलेक्शन करने वाली मूवीज दी थी। 2019 में अक्षय कुमार अकेले एक्टर थे जिनकी मूवीज ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद 2020 में अक्षय कुमार की मूवी सूर्यवंशी को रिलीज होना था और उस समय इस मूवी की हाइप एकदम नेक्स्ट लेवल थी। सभी को ये विश्वास था कि ये मूवी अक्षय कुमार के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी होगी, बट कोविड की वजह से मूवी 2020 में रिलीज नहीं हो सकी। करीब एक हफ्ते पहले ही मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया था। सूर्यवंशी को सबसे पहले 24 मार्च 2020 में रिलीज करने वाले थे, बट ये रिलीज होती है करीब 1.5 साल बाद 5 नवंबर 2021 में। और जब ये मूवी रिलीज होने जा रही थी तो उस समय लोग थिएटर्स में आना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, बट सही टाइम को देखते हुए मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज कर दिया और ये मूवी एक सुपरहिट साबित होती है। ऐसी कंडीशन में भी मूवी ने 196 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब मैं एक बात पर और फोकस करना चाहूंगा कि सूर्यवंशी से पहले अक्षय कुमार की एक और मूवी रिलीज हुई थी जो कि थी बेल बॉटम। ये जानते हुए कि महाराष्ट्र में थिएटर्स पूरी तरह से बंद थे, अक्षय कुमार एंड फिल्म के मेकर्स ने मूवी को फिर भी रिलीज कर दिया और फिर रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये था कि मूवी 35 करोड़ के आसपास सिमट गई थी। लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब थिएटर्स के अंदर कोई भी एक्टर अपनी मूवी रिलीज नहीं कर रहा था, सब डरे हुए थे कि हमारी मूवी फ्लॉप ना हो जाए, तब ये जानते हुए भी कि शायद ये मूवी कोई भी कमाई ना कर पाए, फिर भी अक्षय कुमार अपनी मूवी रिलीज कर देते हैं, पहले बेल बॉटम फिर सूर्यवंशी। और जब बाकी लोगों ने देखा कि सूर्यवंशी अच्छी कमाई कर रही है तो बाकी फिल्म मेकर्स ने भी अपनी मूवी रिलीज कर दी। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि अगर कोई ऐसा है जो अपनी मूवीज के साथ इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो वो बिना किसी डाउट के अक्षय कुमार है। लेकिन अब जो असली मुद्दे की बात है वो ये है कि 2019 के बाद पीक ईयर के बाद जो बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज आ रही है, इनके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा। हेटर्स का तो कहना है कि अक्षय कुमार का करियर खत्म हो चुका है, हालांकि इनके बात सुन के मुझे काफी दया आती है इन पर कि बेचारे कितने ना समझे, बट कोई बात नहीं, उनका काम उन्हें करने दो, हम अपना काम करते हैं। अरे वीडियो को शुरू के करीब 2 मिनट होने वाली है और मैंने अभी तक आपको चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहा, कर लो भाई सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। अक्षय कुमार के करंट फेज को देखकर मुझे एसआरके की याद आती है। 2017-18 में एसआरके के करियर का भी यही हाल था। 2016 में फैन फ्लॉप, 17 में रईस सेमी हिट, उसके बाद जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप, एंड लास्ट मूवी जीरो जो कि 2018 में आई थी ये भी फ्लॉप। फैन से पहले इनकी मूवीज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इनकी पिछली 10-12 फिल्मों में से लगभग सभी मूवीज हिट थी, 2 सुपरहिट एंड 1 मूवी ब्लॉकबस्टर चेन्नई एक्सप्रेस। तो अब आप चाहे कंपेयर करके देख लो, अक्षय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोनों एक्टर्स की मूवी चॉइसेस, काम करने का तरीका काफी अलग है एंड स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं। तो इसीलिए अक्षय की बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज के पीछे मुझे सबसे पहला रीजन लगता है इनकी मूवीज चॉइसेस एंड रीमेक्स। लक्ष्मी बच्चन पांडे, कोविड के बाद अक्षय कुमार की 2 मूवीज रीमेक्स थी एंड सिंपल क्लियर बात यह है कि इन दोनों मूवीज के अंदर कुछ भी बढ़िया नहीं था। लक्ष्मी मूवी तो कुछ ज्यादा ही घटिया थी। सम्राट पृथ्वीराज एंड बेल बॉटम, ये दोनों ओरिजिनल मूवीज जरूर थी बट मूवीज ना ही तो कुछ नया डिलीवर कर पाती है और ना ही इंडियन मास मसाला मूवीज बन पाती है जिससे कि ऑडियंस थिएटर तक पहुंच पाए। वैसे पृथ्वीराज मूवी पर मैंने एक स्पेशल डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने पृथ्वीराज मूवी के फ्लॉप होने के कुछ मेन रीजन आपके सामने रखे हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इस पॉइंट के बारे में आजकल सबसे ज्यादा बातें की जा रही हैं, स्पेशली पृथ्वीराज मूवी रिलीज होने के बाद। देखो मैं भी अक्षय कुमार का फैन हूँ बट टू बी ऑनेस्ट, अब ऑडियंस थोड़ा सा बोर होने लगी है। भाई एक मूवी थिएटर से हटती नहीं कि दूसरे का ट्रेलर आ जाता है, दूसरे का ट्रेलर नहीं आता कि तीसरे का टीजर आ जाता है, तीसरे का टीजर नहीं आता कि चौथी का पोस्टर आ जाता है, और इन सब के बावजूद हर दूसरे दिन इनकी नई मूवी की अनाउंसमेंट होती रहती है। भाई साहब क्या चल रहा है। सर माना कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, सुबह जल्दी उठते हो, शूट जल्दी शुरू करते हो, बट हर मूवी के अंदर ऑडियंस को एक ही टाइप का रोल लगे तो ऑडियंस कैसे एक्साइट होगी। पॉइंट नंबर 3, नो ओवर द टॉप मास मसाला। चलो एक सवाल का जवाब दो, अक्षय कुमार के पिछले 10 साल में मुझे एक ऐसी मूवी का नाम बताओ जो कि बेस्ट मास मसाला मूवी है, जिसके अंदर मतलब फुल एक्शन हो, डायलॉग बाजी और हीरोइज्म हो। आई थिंक मेरी तरफ से वो मूवी है राउडी राठौड़, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, एंड फिर उसके बाद सूर्यवंशी। इन पिछले 10 साल में आपको अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी के अंदर ज्यादातर बायोपिक्स या फिर ऐसी मूवीज मिलेंगी जो कि सोशल मैसेज पर बेस्ड हो। इतने लंबे टाइम से एवरेज बजट की मूवीज करते करते ऑडियंस के माइंड में अक्षय कुमार की एक ऐसी इमेज छप चुकी है कि हमेशा ऑडियंस को ऐसा लगता है कि इनकी मूवी कोई होगी एवरेज बजट सोशल मूवी। पहले इनकी जो एक्शन हीरो की इमेज हुआ करती थी वो आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब आप शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो, इनकी अपकमिंग मूवीज के लिए लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि इनकी आने वाली मूवीज बिग बजट मास मसाला मूवीज हैं, एक्शन मूवीज, सिवाय डंकी को छोड़कर, बट उसमें भी राजकुमार हिरानी क्या मास्टरपीस बनाते हैं वो आप सभी को पता ही है। इसीलिए अक्षय कुमार को अपने वो एक्शन हीरो वाले अवतार में लौटना होगा, एटलीस्ट एक साल में कम से कम एक धमाकेदार एक्शन मूवी तो करें। अब ये तो मैंने बात की कुछ मेन वीक पॉइंट्स की जिनकी वजह से अक्षय कुमार की मूवीज की परफॉर्मेंस गिर रही है, बट
बट ब्रो ही इज अक्षय कुमार। इन्हें मिनी इंडस्ट्री किसी रीजन से ही कहा जाता है। इनकी लाइनअप को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि क्यों अक्षय कुमार बाकी एक्टर्स से बिल्कुल अलग हैं। पृथ्वीराज मूवी के अंदर इनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए, लेकिन ये कितने अच्छे एक्टर हैं ये इनको इतने लंबे करियर के बाद साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गलतियां तो सभी से होती हैं, बट उम्मीद करते हैं कि इन्होंने गलती से कुछ सीखा होगा। जितने डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट मैसेजेस को अक्षय कुमार ने अपनी मूवीज के थ्रू लोगों तक पहुंचाया है, ऐसा करने वाले काफी चुनिंदा एक्टर ही हैं। पिछले 2 साल से पहले अक्षय कुमार ने हमें काफी सारी बैक टू बैक यूनिक एंड जबरदस्त मूवीज दी है। मूवीज का कलेक्शन या फिर बजट कैसा भी रहा हो, लेकिन इन मूवीज के अंदर ऑडियंस को जरूर कुछ ऐसा देखने को मिला है जैसा आज से पहले इन मूवीज के अंदर नहीं हुआ होगा। काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि कई सालों से सिर्फ और सिर्फ मास मसाला मूवीज करते आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी मूवीज अच्छा कलेक्शन करें। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स भी हैं जो कि डिफरेंट टाइप की मूवीज करते आ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि चाहे मूवी कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन बस आखिर में बात वही आती है कि हर एक चीज लिमिट के अंदर अच्छी लगती है। स्मॉल बजट मूवीज, सोशल ड्रामा, बायोपिक्स करना, ये सब भी बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में चेंजेस लाने भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 3 या 4 साल से एक ही फॉर्मूला पकड़ रखा हो और उसी पर मूवीज बनाए जा रहे हो, ऐसा करोगे तो यार काम नहीं चलेगा, और स्पेशली आज के टाइम में। उम्मीद करते कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ इनकी धमाकेदार मूवीज देखने को मिलेंगी। फिलहाल इनकी अपकमिंग मूवीज के लाइनअप में 15 से 16 मूवीज ऑलरेडी हैं एंड 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है रक्षाबंधन। ट्रेलर वगैरह तो सब काफी अच्छा है और उम्मीद करते कि मूवी भी हिट होगी। इस वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।